Dear student, welcome to BioMTutor classes. In this video lecture, we are going to cover types of centrifugation. Types of centrifugation जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पे basically तीन तरीके के centrifugation हम basically study करेंगे. उसमें जो सबसे पहला types है वो है differential centrifugation. नाम से clear है कि यहाँ पे किसी भी molecule का जो differentiation हो रहा है वो उसका बेस जो है वो शेप, साइज एंड डेंसिटी, ये तीनों पैरामीटर्स हैं. मतलब पार्टिकल की शेप भी यहाँ पे एक रोल प्ले करती है, साइज भी रोल प्ले करेगा और डेंसिटी भी रोल प्ले करेगी. यहाँ पे करते क्या है, हम लेबोरेटरी में जो भी एक कॉमन टाइप का सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं यूजली वो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन की कैटेगरी में ही आता है. यहाँ पे करते क्या है कि जैसे मुझे एक सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को आइसोलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, सेल को मैंने फ्रैक्चर किया पहले और उसका एक होमोजेनेट मिक्सचर ले लिया. इसको पहले मैंने लो आरपीएम पे रन कराया, तो मैंने लो आरपीएम, जब मैंने लो आरपीएम पे वो कराया तो जो लार्जर ऑर्गेनेल्स होंगे, जो लार्जर ऑर्गेनेल्स होंगे वो बैठ जाएंगे और उनको मैंने आइसोलेट कर लिया. तो यहाँ पे जो ये पैलेट आ रहा है नीचे जो बैठ रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद उसको पैलेट कहते हैं. इसको मैंने आइसोलेट कर लिया और जो ऊपर वाला है उसको मैंने फिर से नेक्स्ट स्टेप पे हाई आरपीएम के साथ फ्लोट किया. अब जो और छोटे पार्टिकल्स होंगे या ऑर्गेनल्स होंगे वो बैठ जाएंगे, फिर ऊपर जो सुपरनेटेंट बचा इसको फिर मैंने सेंट्रीफ्यूज किया, फिर जो भी और छोटे पार्टिकल्स होंगे वो बैठ जाएंगे और ऊपर जो अब बचा इसको मैंने फिर सेंट्रीफ्यूज किया. तो कहने का मतलब है एक सीक्वेंशियल पैटर्न में मैं सॉल्यूशन का सेंट्रीफ्यूगेशन करता जा रहा हूँ और साइज के हिसाब से जो सबसे बड़े होंगे वो सबसे पहले बैठेंगे और जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो सबसे लास्ट में यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज होंगे. तो सबसे लास्ट में यहाँ पे जो आपको मिलेंगे वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स होंगे या स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होंगे. अगर मैं एक सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को आइसोलेट करता हूँ तो लो आरपीएम पे, अच्छा जब आप स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स को आइसोलेट कर रहे हो तो यहाँ पे आरपीएम, हाईएस्ट आरपीएम जितना आप रख सकते हो उतना आपको रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मशीन एंड योर एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट. तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप सेंट्रीफ्यूगेशन लो आरपीएम से हाई आरपीएम की तरफ बढ़ाते हुए चलते हो और बेस्ड ऑन शेप, साइज और डेंसिटी जो पार्टिकल्स होते हैं वो पैलेट में नीचे जमा होते चले जाते हैं, आप उनको आइसोलेट करते चले जाते हो. बहुत ही एक बेसिक सा एक सेंट्रीफ्यूगेशन है, सीक्वेंशियली हम हाई आरपीएम की तरफ बढ़ते हैं. तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं किसी भी पार्टिकल के वो शेप, साइज और डेंसिटी तीनों रोल प्ले कर रहे हैं. और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, जो टेस्ट ट्यूब में मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ, इसकी डेंसिटी इक्वल है. यहाँ पे कोई डेंसिटी में डिफरेंस मैंने पैदा नहीं किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. तो जो हम आरपीएम जो सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पे पढ़े, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, बहुत ही एक सिंपल सा फंडा है इसका, बहुत ज़्यादा इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है. दूसरा है डिफरेंशियल डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. नाम से क्लियर है कि यहाँ पे डेंसिटी में ग्रेडियंट पैदा किया जा रहा है और जब डेंसिटी में ग्रेडियंट पैदा होता है तो यहाँ दो तरीके के सेंट्रीफ्यूगेशन होते हैं, रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन और आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन. तो जो रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन है इसमें क्या होता है इसको समझिए, इसमें दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन आप टेस्ट ट्यूब में यूज कर रहे हैं इज डेंसिटी ग्रेडियंट. मतलब वहाँ जो सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में आप यूज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी जो है वो इक्वल नहीं है. इक्वल नहीं है मतलब कि टॉप पे उसकी डेंसिटी कम है और टेस्ट ट्यूब के बॉटम में उसकी डेंसिटी मैक्सिमम है, ठीक है, नीचे की तरफ इंक्रीज होती चली जाती है. दूसरा ये कि अब मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन की.
और ये जो डायग्राम है ये भी रेड जोनल का है, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा यहां पे टेप साइज एंड डेंसिटी, यहां पे टेप साइज एंड डेंसिटी इम्पॉर्टेंट होते हैं। मतलब किसी भी पार्टिकल को आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो यहाँ भी तीनों पैरामीटर्स इम्पॉर्टेंट हैं, उसकी सेप भी इम्पॉर्टेंट है, उसकी साइज भी यहाँ मैटर करेगी, अफेक्ट करेगी सेडिमेंटेशन को, और डेंसिटी भी, पार्टिकल की डेंसिटी भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो सॉल्यूशन ले रहे हैं, जो डेंसिटी ग्रेडियंट आप पैदा कर रहे हो, पार्टिकल डेंसिटी, ये हमेशा याद रखना, जो पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो सॉल्यूशन डेंसिटी से ऑलवेज ज़्यादा लेनी है आपको। इसका मतलब कि पार्टिकल की डेंसिटी सॉल्यूशन की डेंसिटी से यहाँ पे ऑलवेज ज़्यादा लेनी है, और जब भी आप किसी पार्टिकल की डेंसिटी को सॉल्यूशन की डेंसिटी से ज़्यादा लेते हो तो पार्टिकल हमेशा बेसमेंट में बैठता है, वो बीच में कहीं नहीं रुकेगा। देखिए होता कैसे है, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, डेंसिटी में आपने ग्रेडियंट पैदा कर दिया, मतलब ऊपर की तरफ जो डेंसिटी है वो लो है और नीचे की तरफ हाई है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन की डेंसिटी ग्रेडियंट पैदा कर रहे हैं उसमें फाइकॉल, ग्लिसरॉल, सुक्रोज एटसेट्रा मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं टू डेवलप सॉल्यूशन ग्रेडियंट। मतलब जो ग्रेडियंट है सॉल्यूशन का उसके लिए ये कंपाउंड यूज किए जाते हैं। फाइकॉल का यूज कर सकते हो, ग्लिसरॉल कर सकते हो, सुक्रोज कर सकते हो, और सुक्रोज में भी अगर हम देखें तो सुक्रोज में भी लो कंसंट्रेशन 5-20% सॉल्यूशन हम सुक्रोज का यूजली यूज करते हैं। तो ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये एक टेस्ट ट्यूब है, ऊपर की तरफ लो डेंसिटी है, नीचे की तरफ हाई डेंसिटी। और यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी कि पार्टिकल जो भी ले रहे हो उस पार्टिकल की डेंसिटी ऑलवेज सॉल्यूशन डेंसिटी से ज्यादा होगी। तो जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे तो पार्टिकल जो है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सबसे फास्ट सेडिमेंट करेगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो स्लो सेडिमेंट करेगा। और जो पार्टिकल फास्ट सेडिमेंट कर रहा है, अगर उसको आपने थोड़ा सा भी सफिशियंट टाइम सेंट्रीफ्यूज में दिया तो वो यहाँ बॉटम में बैठ जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी हमेशा पार्टिकल्स की यहाँ पे आपने ज़्यादा ली है। इसीलिए जो रेड जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, यहाँ पे जो टाइम है, आप कितने टाइम उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा देर तक उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया तो सारे के सारे पार्टिकल नीचे बॉटम में जमा हो जाएंगे। तो रेड जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन में जो पैरामीटर्स हैं वो ये हैं, आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन जो है वो डेंसिटी ग्रेडियंट तो वहाँ है ही, और उस सॉल्यूशन के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं, फाइकॉल यूज कर सकते हैं, ग्लिसरॉल, सुक्रोज, ये सब यूज होते हैं। पार्टिकल के शेप, साइज और डेंसिटी, ये तीनों फैक्टर्स वहाँ पर रोल प्ले करते हैं। पार्टिकल की डेंसिटी यहाँ हमेशा ज़्यादा ली जाती है, और इसीलिए थोड़ा सा भी ज़्यादा देर तक अगर आपने सेंट्रीफ्यूज कर दिया तो वो सारे पार्टिकल्स बॉटम में बैठ जाएंगे। तो ये रेड जोनल का एक लिमिटेशन है, तो आपको ये थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखना है। अब इस समस्या को, क्योंकि कितना टाइम हम उसको सेंट्रीफ्यूज करें हमें नहीं पता है, तो ये थोड़ा सा कई बार एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। इसको फिर सॉल्व किया गया आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में, और आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में हम पढ़ते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन सीजियम क्लोराइड वाला, राइट। तो देखिए आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन जो है उसने इस कमी को पूरा किया, क्यों, क्योंकि जो हम पहले पढ़ रहे थे रेड जोनल, उसमें जो डेंसिटी थी सॉल्यूशन की वो कम थी, पार्टिकल की ज़्यादा थी, तो थोड़ा सा भी सेंट्रीफ्यूज करोगे तो वो बॉटम में बैठ जाता था। दूसरा यहाँ पे नो शेप एंड साइज, यहाँ पे शेप एंड साइज कोई इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही नहीं। इनका मतलब पार्टिकल की शेप एंड साइज जो है वो सेडिमेंटेशन को यहाँ पे अफेक्ट नहीं करती हैं।
कौन सी करेगी? ओनली डेंसिटी प्ले ए रोल। और किसकी डेंसिटी? पार्टिकल डेंसिटी। तो किसी भी पार्टिकल की यहां पे शेप और साइज रोल प्ले नहीं कर रही है, सिर्फ उसकी जो डेंसिटी है वो रोल प्ले कर रही है। दूसरा, यहां पे जो अब जब पार्टिकल की डेंसिटी रोल प्ले कर रही है तो होता क्या है, आप कितनी भी देर तक उसको सेंट्रीफ्यूज कर दो, जहां पार्टिकल की डेंसिटी सॉल्यूशन की डेंसिटी के बराबर हो जाएगी, पार्टिकल वहीं स्टॉप हो जाता है, वो बॉटम की तरफ नहीं आता है। जबकि रेड जोनल में आप थोड़ा सा भी ज्यादा कर देते थे तो वो बॉटम में आ जाता था। तो यहाँ पे आइसोपिकनिक में क्या होता है, ये जैसे लो डेंसिटी है, नीचे की तरफ डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और जब आप इसको घुमाते हो तो शेप और साइज का तो कोई इफेक्ट है नहीं यहाँ पे, सिर्फ डेंसिटी रोल प्ले करती है। आपको ये ध्यान रखना है। और जहां पे पार्टिकल डेंसिटी जो है वो इक्वल हो जाती है, जब डेंसिटी बोथ डेंसिटी इक्वल है, जब पार्टिकल की डेंसिटी सॉल्यूशन की डेंसिटी से इक्वल हो जाएगा तो मॉलिक्यूल मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। मॉलिक्यूल स्टॉप मतलब वो पार्टिकुलर पोजीशन पे मॉलिक्यूल जो है या कोई भी चीज जिसको हम सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं वो वहां पे स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो आइसोपिकनिक जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ये ज्यादा एक अप्रोप्रिएट है। और यहाँ पे ग्रेडियंट बनाने के लिए जो सॉल्यूशन यूज होते हैं वो या तो सुक्रोज का यूज किया जाता है या सीजियम क्लोराइड यूज फॉर सॉल्यूशन फॉर ग्रेडियंट। ठीक है, अब सुक्रोज की जो मैक्सिमम डेंसिटी है, अगर हम एक आइडियल कंडीशन में सुक्रोज की जो मैक्सिमम डेंसिटी है उसको देखें, तो मैक्सिमम डेंसिटी सुक्रोज की पहुंचती है 1.32। कितनी पहुंचती है? 1.32। और सीजियम क्लोराइड जो है इसकी मैक्सिमम डेंसिटी पहुंचती है 1.91। और हमारे जो भी मॉलिक्यूल जिनकी डेंसिटी 1.32 की रेंज में आ रही है, उनकी जो डेंसिटी है 1.32 की रेंज में आ रही है, उनके लिए तो हम सुक्रोज सॉल्यूशन यूज कर लेते हैं। और अगर किसी मॉलिक्यूल की डेंसिटी 1.32 की रेंज में नहीं आ रही, 1.32 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं ग्रेडियंट बनाने। हमारा जो डीएनए होता है, हमारी डबल स्ट्रैंड डीएनए की जो डेंसिटी है वो 1.7 होती है। इसीलिए जब भी हम न्यूक्लिक एसिड का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो वहां पे हम सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं, सुक्रोज का नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे आइसोपिकनिक में जो है एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पे सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा ली जाती है। यहाँ जैसे हमने पिछले उसमें क्या देखा था, पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम पार्टिकल की डेंसिटी जो है वो कम लेते हैं और सॉल्यूशन ऐसा लेते हैं जिसकी डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी से ज़्यादा हो, ताकि पार्टिकल बॉटम में ना बैठे, वो बीच में कहीं रुक जाए। और जहाँ उसमें शेप और साइज का भी कोई इफेक्ट नहीं होता पार्टिकल का, तो सिर्फ जो पार्टिकल की डेंसिटी है वो जहाँ भी सॉल्यूशन की डेंसिटी के इक्वल हो जाएगी, पार्टिकल वहीं पर स्टॉप हो जाता है। तो सीजियम क्लोराइड की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो है 1.91 और डीएनए की जो डेंसिटी है वो है 1.7 के अप्रॉक्सीमेट होती है। इसीलिए हम डीएनए के केस में जब भी हम न्यूक्लिक एसिड पे काम करते हैं तो हम सुक्रोज का डेंसिटी ग्रेडियंट यूज नहीं करते, क्योंकि सुक्रोज की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 1.32 है, जबकि डीएनए की 1.7 है। और हम आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में सॉल्यूशन की डेंसिटी ऑलवेज ज़्यादा लेते हैं, तो हम एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसकी डेंसिटी डीएनए से ज़्यादा हो, ऐसा सॉल्यूशन सीजियम क्लोराइड है। इसीलिए जब भी आप न्यूक्लिक एसिड पर काम करते हो आपको वहाँ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करने को मिलता है। अब डेंसिटी सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम यूज करते हैं तो वहाँ आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है। जैसे सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट आप जब भी यूज करोगे तो टॉप की तरफ ये जो है टेस्ट ट्यूब का ये टॉप पार्ट है, तो वहाँ पे लो डेंसिटी मिलती है, और जो बॉटम पार्ट है वहाँ पे हाई डेंसिटी मिलती है। तो इस तरीके से डेंसिटी में एक डिफरेंस जो है वो
ऑटोमेटिकली जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हो सीजियम क्लोराइड को, तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, आपको मैन्युअली आपको क्रिएट नहीं करना होता। अब सपोज करो एक कंडीशन है सेल में, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए तीनों को आपने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में वो किया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया, तो जो प्रोटीन है, देखिए डीएनए की जो डेंसिटी होती है, डीएनए रोहो डीएनए, तो इसकी डेंसिटी होती है 1.7 क्या अप्रॉक्सीमेट, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ सर, वैल्यू बता रहा हूँ। जो आरएनए है आरएनए की 1.7 से ज़्यादा होती है, और जो प्रोटीन है इसकी 1.7 से कम होती है, काफ़ी कम होती है। तो एक मिक्सचर है जिसमें ये रोहो डेंसिटी का एक सिंबल होता है, एक मिक्सचर है जिसमें प्रोटीन, डीएनए और आरएनए तीनों मिक्स है। अगर आप इसको सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में रन करते हो, तो आप देखोगे कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के टॉप पे आपको प्रोटीन दिखेगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। डीएनए की डेंसिटी 1.7 होती है, तो वो 1.7 के आसपास उसका बैंड मिलेगा, और आरएनए की डेंसिटी 1.8 से भी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो आपको नीचे बॉटम की तरफ दिखेगा। तो ये जो क्वेश्चन है कि किसी भी बायो सेल के तीनों मॉलिक्यूल्स को अगर हम सीजियम क्लोराइड में इस तरीके से रन करें तो क्या उनका बिहेवियर होगा, तो ये एक पैटर्न आपको ध्यान रखना है। कभी कभी कन्फर्मेशन को लेके भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर मैं अलग कन्फर्मेशन वाले डीएनए को एक सेंट्रीफ्यूगेशन में सीजियम क्लोराइड में रन करूं, जैसे सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है, इसमें सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, और इसमें मैंने सपोज करो दो डीएनए डाल दिए, एक तो है लीनियर डीएनए, राइट, अगर मैं कन्फर्मेशन को लेके क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, एक तो है लीनियर डीएनए, लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए, और एक है सर्कुलर या सुपर कॉइल, दूसरा है सुपर कॉइल। सुपर कॉइल मतलब कॉम्पैक्ट, जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए। अगर इन दोनों को सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में रन करें तो क्या होगा, तो आप देखोगे कि जो सुपर कॉइल्ड होता है वो नीचे की तरफ आता है, और जो लीनियर होता है वो थोड़ा सा, उसकी डेंसिटी अब कंपेरेटिवली कम होती है, तो वो ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो जो अपर बैंड है वो तो लीनियर डबल स्टैंड का होगा, और जो लोअर बैंड है ये सुपर कॉइल्ड डीएनए का होगा। तो कभी कभी सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर यहाँ पे जब डेंसिटी की बात हो रही है तो डीएनए की डेंसिटी का एक फॉर्मूला भी है कि भाई डीएनए डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करें, उसका जो फॉर्मूला है वो है 1.66 प्लस 0.098% जीसी, राइट। तो इसका मतलब कि किसी भी डीएनए की जो डेंसिटी है वो जीसी फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, और एक जीसी के साथ उसका एक लीनियर रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर इसके साथ इसका ग्राफ प्लॉट करें तो डेंसिटी जीसी और रो का जो ग्राफ है वो इस तरीके से एक लीनियर ग्राफ मिलेगा। तो आपको ये जो चेंजेज हैं डीएनए की डेंसिटी में जीसी के साथ, ये थोड़ा ध्यान रखना है। डीएनए में ही सीजियम क्लोराइड यूजली क्यों यूज करते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए कितने टाइप का सेंट्रीफ्यूगेशन है, कहाँ के सेंट्रीफ्यूगेशन की क्या लिमिटेशन है, क्या चीज़ें याद रखनी है, तो इस तरीके से हमने ब्रीफ में इन चीज़ों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेंट्रीफ्यूगेशन में जो बेसिक चीज़ें थी वो आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम एक नई टेक्निक्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए बायोम ट्यूटर।